हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि नया वर्ष आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएगा और आप इस बार अपने संकल्प को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो संकल्प वर्ष 2021 है, ये आपका लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष बन जाए और आप अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। तो हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत थोड़ा एनटीपीसी आपके लास्ट टाइम पर मैथ्स अंतिम प्रहार के अंतर्गत मैं आपके द्वारा ही पढ़ी गई चीज़ों को रिवाइज करके दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आपके एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन उन्हीं का एक तरह से रिविजन करा रहा हूँ, ताकि लास्ट टाइम में आप थोड़ा सा बैठे बैठे उन क्वेश्चन को देख लें कि कैसा क्वेश्चन है। आप तुमने अभी तक तो सारा कुछ पढ़ लिया। चलिए भाई, बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बाकी लोग लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री पर चर्चा कर रहे हैं और आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन हमने भेजा था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि एनटीपीसी के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत आवश्यक है, बड़ी बेसिक थी, वो हमने पार्ट वन में आपको सिखा दिया है। आज चलिए हम आगे लेकर के चल रहे हैं, सारी बातें हमने उसमें आपके साथ डिस्कस किया ही है। डिटेल में पढ़ना तो हम लोग अलग से फाउंडेशन बैच के अंतर्गत वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए, जो सरोसा के साथ कॉपी पेन उठाइए, फटाफट शुरू हो जाइए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 हम सीक्वेंस से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 3 आपको मैं देता हूं, बाकी पीडीएफ हमने आपको दे दिया है तो आप क्वेश्चन वहां से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे लिए कि यदि, अगर मैं यदि की बात करता हूँ तो देखो लिखा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है sec थीटा और माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये दिया गया है। तो हम सबको फाइंड ये करना है कि sec थीटा और प्लस ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, आप कितने आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। डियर स्टूडेंट, आपको एक फार्मूला अच्छी तरीके से याद होगा कि जब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप लोग कहते हो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस बी। बोलो याद है सबको? तो इसी स्टाइल पे इस क्वेश्चन को जरा हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेने की आवश्यकता है। अब अगर मैं ये कह दूँ कि भाई sec स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है फार्मूला, हमने पार्ट वन में बताई हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसने ना देखा होगा देख लेगा प्लेलिस्ट से जाके, कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। बोलो यस, अगर हाँ है तो पक्षांतर कर दो। अब अगर इसका आप एक्सप्लेन करिएगा तो निश्चित तौर पर इसका जो आपका विस्तृत रूप होगा वो क्या होगा। इसे आप आराम से एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि sec थीटा और माइनस यहाँ से क्या लिखेगा, tan थीटा। बोलो सूरवीरों। और सेकेंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग बड़े आराम से sec थीटा और प्लस यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने इस फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप ही हमें बता दें कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपको लिख के कितनी दी गई, 1/3 इंटू, यह आपसे पूछा गया, यह आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम sec थीटा और प्लस हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। आप सभी को पता है 3 किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 से 7 मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा sec थीटा है और ये प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3 और ये 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आ गया? देखिए ना कितना छोटा सा प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल गलती से भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रख के जाना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए, फटाफट आप इसे उतारते रहिए, ठीक है भाई। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे समय पर मजा आ रहा होगा, कुछ घबराइए नहीं। वरी टाइम इज इक्वल टू स्टडी टाइम। चिंता करने की बजाय आप जो समय बचा उसमें रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, ये सब मत सोचिए कि अब कम समय हम क्या कर लेंगे। भाई ये तो क्लास उसके लिए जा रही ना कि जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो उसको देख लेगा, जो दे रहा है उसकी कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, अब देखो कितना बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं भाई साहब ये। तो ये कह रहे हैं कि यदि साइन थीटा, तो अच्छी बात है, तो यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो हमें फाइंड करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बराबर क्या होगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो साइन थीटा के बराबर इन्होंने क्या लिखा है, रूट थ्री बाई टू। आप सभी लोग जानते हो कि ये जो वैल्यू होगी वह साइन कितने की, 60 डिग्री की। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। और थीटा का एक ही मान सभी टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बोलो सही होता है ना, तो फिर देर किस बात की, फटाफट इसका आंसर आप चुन सकेंगे और कह दीजिएगा इसलिए टैन कितना, 60 डिग्री का मान क्या होगा, अंडर रूट थ्री जिस विकल्प में लिखा वो आपका उत्तर होगा। कोई डाउट आप सबको, नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अपनी क्लास का पांचवा सवाल, क्योंकि दो क्वेश्चन आपने पिछले पार्ट में पढ़े हुए थे, तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या लिखा देखिए ना, इन्होंने लिखा है कोसेक थीटा, तो चलेगा भाई ये हो गया कोसेक थीटा, और इनटू लिखा हुआ है टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन आप सब लगाओगे तो क्या करोगे भाई। कोसेक थीटा पार्ट वन में आपने सीखा कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, तो मैं इसे बड़े आराम से लिख पाऊंगा कि भाई ये मेरा हो जाएगा 1/sin थीटा। हमने इन दोनों का रिलेशन पढ़ा है कि ये हमारे पास होता है साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगी कॉस थीटा, भागे आप बटे करेंगे तो यानी इसका रेसिप्रोकल अपने आप क्या होगा 1/ ये हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत आराम से साइन से साइन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो बराबर आ जाएगा 1/cos² थीटा। तो 1/cos² थीटा इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, लेकिन अपने विकल्प में यही छपा है इस नाते आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट आप सबको, चलिए भाई तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए और अपने समय का यूज करते हुए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपको पता है टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए मैं लेके आता हूं, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या लिखा ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका ये है भाई, आपके एनटीपीसी में आया, यहां लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और इनटू ये है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस लिखा गया 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 और फिर लिखा है ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए भाई, अगर इस प्यारे से प्रश्न को देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है कोई भारी सवाल आ गया क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे सूरवीरों, ये सवाल भी बिल्कुल आसान ही है, बस अगर आपको मान याद हैं तो फटाफट आपका हल हो जाएगा। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपका जो क्लास टू था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बात हमने सिखाई थी उसमें आपने सीखा कितने आसान तरीके से हम लोगों ने मान ज्ञात करना सीखा था। आप में से हर स्टूडेंट को सारी वैल्यूज याद होती हैं, तो करना क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो मान यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए, फटाफट आंसर लीजिए। तो तैयार ना सब लोग, ठोको लाइक। तो यहाँ पे देखो एक काम कर दो मेरे को, सारे लोग बताओ कि जब साइन का 30 डिग्री की बात आती है फ्रेंड्स, तो साइन की जो 30 डिग्री, साइन की 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलिए एक बार, 1/2 होगा। कास की 45 डिग्री का मान बोल दो 1/√2 होगा, बोलो भाई अग्री है। अगर आप टैन के 30 डिग्री की बात करिएगा तो टैन का जो 30 है वह 1/√3 होता है। साइन का 90 डिग्री का मान कितना होगा बोलो, 1 हो जाएगा। कास का 90 डिग्री कितना होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री 0 होता है भाई, ये भी हो गया। अब देखिए इसे कितने आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर, क्या डायरेक्टली मैं इसे 1/4 लिख सकता हूं, बोलो यस आर नो। इनटू देखो 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो जब 1/√2 का स्क्वायर आप कर दोगे तो अपने आप जो करणी हट जाएगी तो यह आ जाएगा 1/2, ये वाला प्लस उतारो, ये 4 इनटू बताओ 1/√3 का स्क्वायर जब करोगे फ्रेंड्स, तो स्क्वायर होने के नाते करणी अपने आप क्या होगी,
हट जाएगी। यहां से प्लस उतारिए, 1/2 इंटू 90 डिग्री का मान 1 होगा तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, सो यहां से 1 हो जाएगा माइनस 2 इंटू। अब देखिए ना, 0 का चाहे जो करना हो कर लो, 0 ही रहेगा। प्लस यहां से आ जाएगा 1/24। इस लाइन में कोई डाउट तो नहीं, आप सबको समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए, वेरी वेरी गुड। देखिए, इन साहब को एक साथ कर लीजिए, भाई जी को एक साथ करो, इनको भी एक साथ कर लो। इनकी कहानी ख़त्म हो गई क्योंकि ये जीरो हो गए। मुझे बताओ कि क्या मैं इसे 1/8 लिख पाऊँगा? जी हाँ बिल्कुल। प्लस 4/4 कितना होगा? ये 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ से कितना होगा? 1/2 होगा। प्लस ये सेक्शन तो ख़त्म हो गया, 1/24 होगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। आप बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा। 8 × 3 = 24, तो यहाँ 3 ले लो, 3 × 8 = 24, तो 3 × 8 = 24, तो 8 × 4 = 32 हो जाएगा। प्लस यहाँ से लेके जाओ 12 होगा, प्लस 1 = 1। अब आप इसे जोड़ लीजिए तो कितना आएगा आपके पास? 32 × 3 = 35, 36 × 2 = 38, 48 / 24, तो 2 times जाएगा, 24 × 2 = 48। सो करेक्ट आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं सब लोग, समझ में आ गया भाई? ठीक है, बहुत अच्छे, क्लास मजा आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई? अरे दिक्कत भी कैसे होगी, आपने तो धुआंधार पढ़ा, इतना पढ़ा है लॉकडाउन भर सारा पढ़ा, बस मैं तो अंत समय में रिवीजन करा रहा हूँ आपका। तो ठीक है भाई, आपके द्वारा ही पढ़ी गई चीज़ हो सकता है आपने इसे हल भी किया होगा, तो एक बार आपके माइंड तक वो बात फिर से पहुँच जाएगी, नहीं नहीं पढ़ा भाई, परीक्षा के समय हमें याद रखना होगा। चलिए, क्या आपने कॉपी कर लिया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीक्वेंस से हम उसको करेंगे। ये पीडीएफ आप तक है ही, बाकी आज मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँ वहाँ तक पहुँचा के फिर तुरंत आपको पीडीएफ भेज दूँगा भाई, भेज दूँगा मतलब पहुँच गया है आप तक। 7वां क्वेश्चन देखिए, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लेता हूँ तो एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा प्रश्न पूछा गया, 10 − 405 डिग्री का मान क्या होगा? विकल्प आपके पास है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जब मैं क्लास 2 ले रहा था एनटीपीसी वाला, तो उसमें हमने आपको ऋणात्मक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात सारा लिखाया है कि साइन माइनस थीटा हो तो क्या होगा, कास माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखा रखी हैं। देखिए, बस उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है आपका। पहली चीज़ तो ये फ्रेंड्स कि जब इसे आप आगे सिंप्लीफाई करिएगा तो टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस टेन 405 डिग्री होगा। अब इसको तोड़ दोगे तो ये माइनस टेन, देखो 360 डिग्री में कितना जोड़ दोगे, 405 आ जाए, तो आप बोलोगे सर मैं 45 डिग्री जोड़ दूंगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बराबर माइनस टेन 45 डिग्री। ये तो सबको पता है टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर माइनस 1 होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, छोटा सा लेकिन बेहतरीन प्रश्न था ये। अब मैं आप सभी मित्रों के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी अपनी क्लास का 8वां सवाल लेता हूँ। 8वां मेरे पास लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और माइनस लिखा है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, ये प्रश्न आपके पास आ गया, आप लोग हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये जो sec स्क्वायर थीटा इसके साथ माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैं ले लूँ, तो ले लेता हूँ। तो देखो, एक ब्रैकेट में आप लोग लिख पाओगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, डियर स्टूडेंट्स ये 2 tan थीटा को 2 tan थीटा रहने दो, इंटू टेन थीटा को बोलो 1/, ये कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, यस आर नो? तो मेरे भैया ये अपने आप क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो 1 + 2 इज इक्वल टू करेक्ट आंसर 3, यही आंसर है आपका। ठीक है भाई, चलिए इसे फटाफट सॉल्व करिए ताकि मैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए,
लग गया सबका? ठीक है, अगर लग गया है तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। और क्लास का क्वेश्चन नंबर 9, यानी आप देख पा रहे होंगे कि एनटीपीसी के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बार भी अगर मन से रिवीजन आप सबने किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी है। यहाँ पे सवाल आपके हिसाब से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेसिक ही है। लिखा हुआ है कि यदि कॉस थीटा बराबर, लिखते हैं कि 4/5 4/5 है तो sec थीटा प्लस हो जाएगा cosec थीटा, प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा? अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसे हमें क्या करना चाहिए, डायग्राम के बेस पे सॉल्व कर लेना चाहिए। आप सभी को पता है कि जब हम यहाँ डायग्राम की बातें करते हैं तो बार बार हमारे मन में एक ही डायग्राम होता है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको होगी। चलो एंगल थीटा हो गया। अब एंगल अगर हमने ये थीटा ले लिया है तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होगा तो आधार कितना हो गया 4। अब बोलो कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया भाई। तो इसका मतलब ये आधार का मान हो गया, ये हमारे पास कर्ण का मान हो गया। डिस्टेंस ये जो लंब है ये लंब कितना होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय लगा लो। तो पाइथागोरस की प्रमेय अगर आप लंब बराबर निकालोगे तो यहाँ से 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर करेंगे आप लोग, 25 में से 16 घटा दो, 9 का वर्गमूल बोलो 3 आएगा, यहाँ 3 लिख दीजिएगा। अब आपको देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, फिर ऐसे क्वेश्चन को आराम से बोलो सॉल्व कर सकते हो, यस आर नो? तो क्या करोगे, सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो अगर कर्ण बटे आधार होगा तो निश्चित तौर पे इस पे लिख सकते हो 5/4 प्लस कोसेक थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अगर होगा तो लंब बटे कर्ण तो आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा 5 × 3 = 15 और प्लस 4/25 = 20 और 4 × 3 = 12। आप ऐड करो तो 35/12 आपके जिस विकल्प में लिखा वही आपका उत्तर है। ठीक है, फटाफट सॉल्व कीजिए। वह आपने देखा होगा कि कितना छोटा सा बेसिक सा प्रश्न है ये, तो जरा इसे जल्द से जल्द आप कॉपी करें तब हम लोग आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब अगर आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हो तो हम आपके लिए क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करना है। सबको सब पढ़ा हुआ है ना, याद आ रहा है भाई, अच्छी बात है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 पे एनटीपीसी में क्या पूछा गया 2016 में। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा हुआ है कि अगर थीटा की वैल्यू ये दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो यहाँ से लिखा हुआ है कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब देखो फ्रेंड्स कितना आसान प्रश्न, इसमें क्या करना भाई, कुछ नहीं, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आंसर की बात करूँ तो थीटा, तो आप सब बताओ यहाँ टैन स्क्वायर 30 डिग्री होगा, तो अगर ये टैन स्क्वायर 30 डिग्री होगा तो ये कॉट स्क्वायर भी 30 डिग्री हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि टैन 30 डिग्री का मान 1/√ कितना होता है, 3 का स्क्वायर, कॉट उसी का उल्टा, तो √3 का ये स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास आएगा 1/3 और प्लस 3, तो 3 × 9 = 10/3 क्या है आपका आंसर है, यही क्लियर है सबको। चलिए भाई इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई ब्रेन नहीं लगाना, कोई टफ नहीं है, बस एक बार रिवीजन के सब बेसिक यानी जो हम लोगों ने क्लास में इतना ब्रॉड लेवल पर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री को, 600-700-800 सवालों की प्रैक्टिस की थी, उनमें जो टाइप 1 था बेसिक वाला, बस वही आपको रिवाइज करके जाना है। तो जिन लोगों ने ऑफलाइन मेरे से पढ़ा वो सिर्फ टाइप 1 का रिवीजन कर लें, बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन की आवश्यकता नहीं होगी। और क्या क्या पढ़ना हो हम आपको क्लास 2 में बता चुके हैं, सो वहाँ से देख लीजिएगा, सिर्फ सवाल पर डिस्कस होगा। चलें फटाफट आगे। ओके भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11,
अब एक सवाल या दो सवाल जो भी आपकी क्लास में आ जाएगा ये पेपर में, तो समझो ये फ्री का नंबर है, ये कम से कम आपका गलत तो नहीं ही होना चाहिए किसी भी हालत में। अब देखो ना, एक फिर अगला प्यारा सा छोटा सा प्रश्न लिखा है। अब वो प्रश्न क्या है, ये लिख रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि कास, क्या कास -780 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ 780 लिखा भाई। अब देखो पहली बात तो ये कि आपको ये पढ़ाया हूं कि जब कास माइनस थीटा होता है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, कास थीटा, तो एक कास आपके पास हो जाएगा 780 डिग्री। अब ये कास 780 डिग्री को अगर तोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा कास 36 × 72, तो 2 × 360, 36 × 72, 72 का मतलब कितना हुआ 720 डिग्री, और 720 में 60 डिग्री और ऐड कर दिया जाए तो 780 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा कास कितना 60 डिग्री। आप सभी जानते हो कि कास 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए भाई अपनी क्लास के अगले क्वेश्चन के लिए अब हमें बढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि आपका ये 12वां प्रश्न क्या है। अगर मैं आपकी क्लास के क्वेश्चन नंबर 12 देखूं तो 12 नंबर का प्रश्न आपके लिए यही है। फिर एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि ये लिख रहे हैं आपके लिए, बस आप ट्रेंड देख लीजिए कि यदि टैन थीटा बराबर ये लिखा गया 5/12, तो यहां लिखा है कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आप लोग एक बात मुझे बताओ कि टैन थीटा डिस्टेंस क्या होता है, लंब बटे आधार, बोलो होता है ना, बोलो भाई। तो आप कहोगे यस होता है। अब यहाँ डायग्राम कौन बनाएगा, चलिए कर लेता हूँ। लंब बटे आधार, तो क्या निकालना है आपको, हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना है। पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग कर लो। बताओ भाई 12 के स्क्वायर 144, 5 का 25, 169 का वर्गमूल, डायरेक्टली आपके पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या कर्ण, तो कर्ण आपका 13 आ गया। यहां तक कोई डाउट, सीधे मान रखो अब, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर कास थीटा आधार बटे कर्ण, तो कास थीटा अगर आधार बटे कर्ण होगा तो ये आप लिख सकते हो 12/13 प्लस साइन थीटा, बोलो लंब बटे कर्ण, तो लंब 5 है, कर्ण कितना है 13, तो लिख सकते हैं 5/13 प्लस। आप बताओ टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, क्यों, क्योंकि टैन थीटा इंटू 1/tan θ तो 1 ही होगा, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप बताओ कि इसे सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों का हर समान है, तो डायरेक्टली 12/5 = 17, 17/ कितना होगा 13 + 1। अब आपको ये मालूम है 13 किसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 × 13 = 17, 13 = 30, और 30/13 ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, ठीक है, तो इसे फटाफट सॉल्व कर लीजिए, मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ भाई। देख पा रहे हैं कोई माइंड पे जोर तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस लायक कोई सवाल भी तो नहीं है भाई। अब पहले आप अपने ट्रेंड, आपके एग्जाम में जो आया वो सारा करा देता हूँ, फिर बल माथे पे बल डालने वाले सवाल भी कराऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, इसको देख के घबराना नहीं है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना करे, नहीं बस ऐसे ही भाई जो आपके कमीशन ने पूछा है उस लेवल के सवाल ही तो करने हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है आपके सामने लिखता हूँ। लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारे लिए कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस हमारे पास है 2 tan θ इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आपको, बस थोड़ा सा हेरा फेरी करनी है। यहाँ पे रहने देना कि ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इसके साथ ले लो, ठीक है भैया, प्लस ये 2 tan θ इंटू कॉट थीटा, वैसे भी इसका मान एक ही होता है तो एक ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्या करना है, तो 2 tan, तो ये tan θ इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा 1 हो जाएगा।
इतना हमें बताइए कि आपने क्या पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब हम पक्षांतर कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 1 और 2 इंटू 1 मतलब 2, तो करेक्ट आंसर 3। कोई डाउट है आपको? नहीं ना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आगे बढ़ते रहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है कि यहाँ पे एक फिर छोटा सा क्वेश्चन है, tan 1125 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप सभी को पता है कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। इस बार आप इसे आराम से लिखोगे, tan देखो 36 * 108, हाँ सही है। तो 3 × 360 कर देता हूँ, 3 राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 108 का मतलब कितना हुआ, 1080 हो गया। और यहाँ हमारे पास कितना है, 1125 है। तो निश्चित तौर पे 45 डिग्री का मैटर बनेगा, है ना, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 45 डिग्री। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बराबर ये tan 45 डिग्री होगा। और सबको पता है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। ये आपका आंसर होगा, समझ में आया, ठीक है, लगा लो। क्वेश्चन नंबर 15 अपनी क्लास का देखिए कि आपके 15 नंबर पे क्या पूछ लिया गया है। और अब तक आप अच्छे से परिचित हो चुके हैं कि वास्तव में आपके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है। बेसिक तो पूरी SSC भी है, थोड़ी सी अच्छे से आपने रिवीजन किया हो तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये इन्होंने लिख के दिया कि यदि साइन थीटा, ठीक है, तो यदि साइन थीटा बराबर 2/3 है, तो ये कह रहे हैं सेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 2/3 साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब लंब और कर्ण पता है तो बोलो आधार निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से बेस निकालेंगे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। आपको ये मालूम है कि होगा 9 और माइनस 4, तो बराबर बड़े मज़े से √5। ये क्या हो गया, आधार की वैल्यू हो गई। अब हमें देखो सब कुछ पता है, तो sec थीटा, सो अगर हमें sec थीटा को सॉल्व करना भाई, तो आपके पास sec थीटा है तो आप ही बताइए कि sec थीटा आपके पास क्या हो जाए, cos थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण आपके पास है 3 और आधार है √5। तो ये आपके पास हो गया sec थीटा की वैल्यू। तथा सेकेंड वाला सेक्शन है कॉट थीटा, तो अगर कॉट थीटा के बारे में बात कीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार आपके पास है √5 और लंब कितना है भैया, 2, तो √3/2। तो जिस विकल्प में आपका लिखा 3/√5 एंड √3/2, वह आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ने को तैयार हो जाइए। हर चीज़ मुश्किल तभी तक लगती है जब तक आप उसके पीछे ना पड़ जाएं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये तो यार एकदम मजाकी इन्होंने किया है, तो इसमें कुछ टेंशन ही मतलब, फिर भी लिख देता हूँ 17। अभी क्या सवाल दे रहे हैं, 1 प्लस tan² 2θ बराबर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि 1 प्लस tan² θ बराबर क्या होता है, sec² θ। सो ये क्या हो जाएगा, sec² 2θ, जिस विकल्प में लिखा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी क्लास का 18वां सवाल करूंगा। यहां लिखा है कि यदि 5
tan थीटा इज इक्वल टू 4 है तो ब्रैकेट में है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ भाई, तो आप सब इतना मेरे को बता दें कि क्या यहाँ से मैं आराम से लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 4/5 लम बटे आधा। एक बात मुझे याद आ रही कि चूंकि साइन और कास है तो साइन कास का जो रिश्ता टैन से है उसकी हमें बड़ी याद आ रही है, जब किसी की याद आए तो उसे याद कर लेना चाहिए ना। ठीक है कर लिया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, रेशियो ऑलरेडी है ये तो टेंशन नहीं। साइन का मान यहाँ रख लेते हैं 4, कास का रख लेते हैं 5। फटाफट लपक के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ भाई। अब आप बताइएगा ये 3 को 3 रहने दो, साइन थीटा की वैल्यू कितना 4 लिख दो, माइनस 2 रहने दीजिएगा और कास थीटा की जगह 5 लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स ओके, भागे यहाँ से देखो 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 4 और प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 5। सिंप्लीफाई करो आपको पता हो गया कि यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से अगर 10 निकल जाएगा तो 2/, यहाँ देखो आपके पास 8 आएगा और आप 5 या 15, 15 8 23, तो 2/23 जिस विकल्प में लिखा है वही आपका आंसर है। ठीक है क्लियर है सबको, कुशल मंगल सबका बढ़िया चल रहा है। ठीक तो इसे सॉल्व करिए ताकि मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। और हाँ भाई बैठे बैठे थोड़ा सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करिए क्योंकि किसी का भला हो जाए इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। इस दुनिया में आए हैं तो किसी के तो काम आ सकें, कभी भी काम आ जाएं। तो लास्ट टाइम पर ही कोई रिवीजन कर लेगा, हो सकता है उसका एक सवाल सही हो जाए तो इससे बेहतर होगा। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं 19। तो अपनी क्लास का 19वां सवाल है ये, 19 नंबर पे लिखा है कि इसको सॉल्व करना यानी हल करना है। क्या करना है, साइन थीटा बटे लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखा गया प्लस 1 प्लस ये है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कि इसे हम सॉल्व कर दें तो क्या आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ त्रियक गुणा करना है। तो त्रियक गुणा में आपको पता नहीं इसका गुणा इसमें करोगे तो भाई जब इसका गुणा इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये दो बार आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए होगा, जब आप बटे करिएगा तो साइन थीटा और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक सब कुशल मंगल है, आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो मतलब 2 कॉस थीटा यही होगा। अब आप बटे में यहाँ से लिखे हैं आप साइन थीटा और इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो मैं ये चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ समझ लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 1 और प्लस ये वाला 1 और प्लस ये 2, यहाँ से ले लो कॉस थीटा बटे ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो या सर नो, तो बराबर देखो फ्रेंड्स ये कितना होगा 1 1 2, तो मैं चाहता हूँ 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बटे हमारे पास आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, वैसे भी जो आया है वो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2 अपान साइन थीटा या 2 कोसेक थीटा जो विकल्प में लिखा गया हो, 2 अपान साइन थीटा ही लिखा है विकल्प तीसरे में तो आपका करेक्ट आंसर वही रहेगा। वैसे हम इसे 2 इंटू कोसेक थीटा भी लिख सकते थे। ठीक है समझ गए सब लोग,
चलिए बहुत ही अच्छे, आप लोग भाई फटाफट समझ जाते हैं आप सारी बात को। तो अगर समझ गए हैं तो जरा 20वां क्वेश्चन हमें फटाफट सॉल्व कर लेना होगा और देखते हैं कि 20 नंबर पे कौन सा एक बेसिक सवाल आया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास ये लिखा हुआ है कि एक लिखा कॉस थीटा, 20वां सवाल लिखना। तो ये हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, और फिर क्या लिखा भाई, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एन। तो एम बटे एन क्या होगा, यही पूछा है। आप देखिए ये भी तो छोटा ही सवाल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा है वैसा रहने दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो 1/sec θ को बोलो 1/cos θ लिख सकते हैं, 1/cosec θ को 1/sin θ बराबर n चलेगा फ्रेंड्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा और प्लस हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटे ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। यहाँ तक एग्री हैं आप? इसलिए आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है, एम बटे एन बराबर। बताओ एम बटे एन की वैल्यू आपके पास है ये, इसे लिख सकेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे, डिस्टेंस ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो बटे जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस नाते मैं चाहता हूं कि आपको इसे डायरेक्टली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ऊपर ही पहुंचा दे। इन लोगों से दाबे निकल यानी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ गया, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट आपको है, नहीं तो फटाफट सॉल्व करिए ताकि मैं आपकी क्लास का अगला क्वेश्चन करा पाऊं। क्वेश्चन नंबर 21। वैसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा सॉल्व करिए और ये हो जाए, फिर हम लोग लाइव मिला जाए तो लाइव का मजा ही कुछ और होता है। फिर मैं आपके लिए रात में ही लाइव लेके आऊंगा ताकि आप जो दिन भर इधर उधर आपकी पढ़ाई लिखाई वो आप करते रहें, साथ ही साथ शाम का समय भी आप बेहतर यूज कर पाए। बस थोड़ी सी आप लोग आगे बढ़ाइए चैनल को, बाकी तो ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 तो बस यूँ समझिए कि मजाक ही है कि 1 tan² θ बराबर क्या। अब जैसे हमने लिखा होगा तो आप सोचेंगे क्या सर आप भी मजाक करें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके NTPC पूछा, आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा तो उसमें होगा ही सवाल। तो ये बराबर क्या होता है, sec²θ। लो भैया हो गया। तो आज के लिए चलिए 22वां सवाल करेंगे इस क्लास के लिए। तो 22वां ये हमारे पास साइन थीटा, तो यहाँ लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो कॉस थीटा क्या होगा ये प्रश्न है। ये भी कोई मुश्किल नहीं, आप चाहे जैसे कर सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला भी रूल लगा सकते थे पक्षांतर करके। अब इतना बेसिक क्या चर्चा करूं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, तो अगर ये लंब बटे कर्ण होगा तो आधार निकालना पड़ेगा। तो अगर आधार निकालिएगा तो 13² - 5² होगा 5² तो 169 में से अगर 25 घटा दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 144 = 12 आ जाएगा। अब अगर ये 12 आ गया तो डियर स्टूडेंट्स आप सबको ये बात पता है कि कॉस थीटा का मान जब भी आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ से आपका 12 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो आपका यही करेक्ट आंसर है। चले भाई उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, आज की क्लास भी आपने आराम से समझ ली है। तो हम आज की अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलता हूँ मैं आपकी अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।